भोजपुरी के दो सबसे बड़े थिएटर हैं जिसमें से एक थिएटर खेसारी लाल यादव को मिल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव, यानी दोनों स्टारों की फिल्म आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघर में एक साथ रिलीज हो रही है। दशहरा पूजा के अवसर पे डेट की बात की जाए तो 20 तारीख को ये दोनों फिल्में आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हो रही है। खेसारी लाल यादव जी की फिल्म का नाम है संघर्ष 2, जो कि इस फिल्म का ट्रेलर आप सभी के बीच आ चुका है। वहीं पवन सिंह की फिल्म का नाम है हरार गंगे, इस फिल्म का ट्रेलर आप सभी के बीच बहुत जल्द आने वाला है, यानी 5-6 दिन के अंदर में आ जाएगा। और बात की जाए इन दोनों फिल्मों के बारे में तो दोनों बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है। दोनों फिल्म का कहानी अलग अलग होने वाला है और रिलीज होने के बाद तब देखा जाएगा कि इस फिल्म को भोजपुरी दर्शक कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खबर देना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री का दो सबसे बड़ा थिएटर माना जाता है, यानी सिनेमाघर माना जाता है। पहला सिनेमाघर का नाम है आनंद मंदिर, जो कि वाराणसी में पड़ता है, और दूसरा थिएटर का नाम है, यानी सिनेमाघर का नाम है बीड़ा पटना। और बीड़ा सिनेमाघर जो पटना में पड़ता है, ये सिनेमाघर बुक हो चुका है दुर्गा पूजा के अवसर पे। इस थिएटर में खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष 2 को लगाया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव को एक बहुत ही बड़ा सिनेमाघर मिल चुका है बीड़ा पटना वाला, और अब देखा जाएगा आनंद मंदिर थिएटर किसको मिलता है, वाराणसी वाला पवन सिंह को मिलता है या ये भी खेसारी लाल यादव को ही मिल जाता है। और जैसा अपडेट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा। और इन दोनों थिएटरों से बहुत ही अच्छा कलेक्शन आता है। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, सब थिएटर में सबकी फिल्म लगेगी, पवन सिंह की भी लगेगी और खेसारी लाल यादव की भी लगेगी। मान लीजिए पटना में खेसारी लाल यादव की लगेगी तो एक सप्ताह के बाद पवन सिंह की लग जाएगी, अगर आनंद मंदिर में पवन सिंह की लग जाती है तो एक सप्ताह के बाद खेसारी लाल यादव की वहाँ पे लग जाएगी। और मेन होता है दर्शक किस फिल्म को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।